आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों कि एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने के साथ 60 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो उस पर इतने का बलागुण अनुभव करता है, तो द्विध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो द्विध्रुव पर आवेश हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका हल हम लोग किस तरीके से करेंगे। हमें बात पता है कि जो बलागुण होता है तो बराबर वो कितना आता है हमारे पास में, वो होता है पी, ये अच्छे से लिखते हैं इसको, ये होता है बच्चों हमारे पास में पी साइन थीटा। कितना होता है? पी साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर पी क्या होता है बच्चों हमारे पास में, वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। और जो पी बराबर होता है बच्चों हमारे पास में, वो होता है क्यू, एक आवेश, किसी भी एक आवेश का परिमाण गुणा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी डी के बराबर होता है। ठीक है, और जो डी है बच्चों यहाँ पर वो ये समीकरण नंबर एक दे दीजिए, और डी बराबर हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10^-2 मीटर के बराबर। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ से पी का मान निकाल लेता हूँ, तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 2/E sin θ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा? तो हमें दिया गया है 8√3 के बराबर, और बटे ई कितना दिया गया है? वो दिया गया है 4 × 10^5, है ना, और साइन थीटा यानी कि साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है? वो होता है √3/2 के बराबर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, √3 ने √3 को मार दिया, 2 से ये 2 बार कट गया और ये 2 से ये 4 बार कट गया, यानी कि ये कितना आ गया मेरे पास में 4 × 10^-5 कूलाम मीटर के बराबर आ गया। ठीक है, तो समीकरण एक से ध्यान से देखिए बेटा, समीकरण एक से तो P का मान जो है बच्चों हमारे पास में है 4 × 10^-5 बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में Q×D के बराबर। ठीक है, तो D बराबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 × 10^-5 बटे, और D कितना है मेरे पास में? वो है 4 × 10^-2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा? D बराबर ये आ जाएगा मेरे पास 4 ने 4 को मार दिया, यानी कि 10^-3 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास में ये वाला भी उत्तर लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी करके लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है इसका उत्तर। तो ये भी बच्चों हमारा इसी का उत्तर हो जाएगा। अगर आप मिलीमीटर में लिखना चाहो तो ये भी इसका उत्तर है, और मीटर में लिखना चाहो तो ये उसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, दोनों ही इसके उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।